हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। चलो आपके वीडियो में एक क्लैरिटी से बताऊंगा कि कोरोना वायरस मुर्गियों को आ सकता है या आएगा, या मुर्गियों से इंसानों को आ सकता है क्या। ये दो इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी से बताऊंगा आपको। पहले तो आपको इतना पता होगा कि चाइना की जो फिश मार्केट है वहाँ से ये वायरस फैला है। लोगों का कहना है कि 90% लोग कह रहे हैं कि फ़िश से ये वायरस फैला है। तो आपको ध्यान से याद रखनी है ये बात, बाद में पता चलेगी आपको। क्योंकि मुर्गी के बारे में बता देता हूँ आपको। पहले मुर्गी की टेम्परेचर जो है 30 से लेकर 33-35 के डिग्री में ही सुरक्षित रहती है। मुर्गी की एक खासियत है, जैसे इंसान का ब्लड रहता है ना, खून, अभी 30 डिग्री सेल्सियस चल रही है मान लीजिएगा, अगर वहाँ वेदर गिर जाता है 25 या 20 तक आ जाता है तो उसके हिसाब से खून का टेम्परेचर भी गिर जाता है। अगर से बढ़ता है तो वो खून भी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, इंसान का। तो आपको ये पता रखनी है कि मुर्गी का खून इस तरह नहीं बदलता है, जितना 30 से 35 का डिग्री है उसका उतना ही रहेगा, कम या ज़्यादा टेम्परेचर का नहीं होगा। बस कोल्ड वेदर जब आता है तब मुर्गी के जो परा रहते हैं वो पर उसको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए जब धूप काल आता है, जब वेदर बहुत चेंज होता है, ज़्यादा गर्मी आ जाती है, तब थोड़ी मुर्गी मरना स्टार्ट होती है, थोड़े डैमेज हो सकते हैं ज़्यादातर। इसलिए ठंड काले में कहीं भी मुर्गी ज़्यादातर नहीं मरती, इसलिए धूप काले में मरती है। ये बात याद रखनी है कि उसका खून नीचे टेम्परेचर और ऊंचा टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो अभी आपको मैटर आया है, जो कोरोना वायरस की वीकनेस है वो 30 डिग्री से ऊपर के वेदर में नहीं जी सकता है कंपलसरी। तो मुर्गी का डिग्री है 30 से 35, मतलब 30 के ऊपर का ही डिग्री है। तो कोरोना वायरस 30 के नीचे की डिग्री में जी सकता है, 30 से ऊपर की जो है तो डिग्री में बिल्कुल भी नहीं जी सकता है। इसीलिए इतनी बड़ी वजह है, ये 100% वजह है कि मुर्गियों में नहीं आ सकता है कोरोना वायरस। आपको और एक भी बता दूँ, एक फ़ोटो वायरल हो रही है जो VVND कहकर एक वायरस आया है जो मुर्गियों में ही रहता है। वो ये नया वायरस नहीं है, ये वैक्सीन है ये वायरस के लिए। वो वायरस की तस्वीरें रख दे रहे हैं यूट्यूब पे और कह रहे हैं लोगों को कोरोना वायरस मुर्गियों में आ चुका है कहकर। इसीलिए भड़कावे पे ना आए आप, जो ट्रू है उसको ही सोचें। क्योंकि मुर्गी का टेम्परेचर है या 30 से ऊपर का ही, तो मुर्गी को किस तरह आएगा कोरोना वायरस? तो मुर्गी को ही नहीं आ रहा है तो इंसानों को कैसा आएगा? या पता है ना दोस्तों, इंसानों को मतलब मुर्गी से इंसानों को नहीं आएगा, दूसरी वजह से आएगा। कोरोना वायरस 30 से ऊपर की डिग्री में नहीं जी सकता है, ये तो ट्रू है। इसलिए आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिएगा। अगर से गलत है मेरी बात तो डिस्क्रिप्शन में कितने कमेंट में कितने गाली देते हो दे लो, क्योंकि मैं कभी भी गलत नहीं बताता। जितना मालूम है मुझे वो जितना भी है ना, जो सच है वही बताता हूँ। इसीलिए घबराए मत, कोरोना वायरस मुर्गियों में बिल्कुल भी नहीं आता है 99%। बस 1% चांस होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता है। वो 1% भी नहीं आने के लिए आपको क्या करना है, मुर्गियों के बच्चों में या मुर्गियों में इम्यूनिटी पावर बढ़ा देना है। वो इम्यूनिटी पावर किस तरह बढ़ाना है, जैसे जो कलवंदा है और करेला है ना, करेले का पत्ता और प्याज और तुलसी, ऐसे किस तरह यूज़ करना है ये मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा आपको, जो सब्सक्राइब करने से हर मेरा वीडियो आपको आएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पसंद आए तो ही लाइक करना, क्योंकि पसंद नहीं आने पर मत करना, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही बताता हूँ, गलत नहीं बताता हूँ। जितना भी करेक्ट मालूम होता है तभी बताता हूँ आपको। इसलिए मुर्गी के बारे में, ये करोड़ों मुर्गी को आता है कहकर बिल्कुल भी घबराए मत, क्योंकि मुर्गी की डिग्री है 30 से ऊपर ही। इसलिए धूप काले में ज़्यादा मुर्गियाँ मरते हैं, ठंड काले में नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।